लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। गरीब बच्चों को भरपेट भोजन मिले जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचे और उन्हें भूखा ना रहना पड़े, वहीं कर्मचारी अधिकारियों की अनदेखी के कारण मध्याह्न भोजन में बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता। समूह चलाने वाले बच्चों के हक का अनाज खुद ही टका रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नचलागंज क्षेत्र के ग्राम छापरी में देखने को मिला, जहां बच्चों ने बताया कि भोजन कराते समय भोजन खत्म हो जाता है और मेन्यू के अनुसार भोजन भी नहीं दिया जाता। मंगलवार के दिन खीर देना अनिवार्य है, परंतु बच्चों का कहना है कि 15 अगस्त के बाद आज तक उन्हें खीर दी ही नहीं गई, तो वही भोजन में पानी वाली सब्जियां परोसी जाती है। एक बार भोजन परोसने के बाद किसी बच्चे को और चाहिए तो डबल नहीं दिया जाता, जिसके कारण कई बच्चों को खाली पेट ही उठना पड़ता है। जब मीडिया ने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो जिम्मेदार अधिकारियों ने फोन तक रिसीव नहीं किया। जब इस विषय पर स्थानीय कर्मचारी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो मीडिया ने जिला शिक्षा अधिकारी से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, जल्द ही मैं इसकी जांच कराता हूं। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चों के हिस्से का भोजन उन्हें मिलता है या फिर आधे पेट रहकर ही बच्चे अपनी शिक्षा जारी रखेंगे। नसलागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। 15 अगस्त जब से खीर नहीं बनी, क्यों आपने पूछा नहीं इनसे खीर क्यों नहीं बनाई? मंगलवार तो खीर का दिन रहता, खीर बनना चाहिए। सही, वो बनाते नहीं, नहीं बनाते। जैसे इस मंगलवार उन्होंने हलवा बनाया, तो पिछले मंगलवार क्या बनाया था? सर हलवा, हर बार हलवा ही बनता, खीर नहीं बनती। सर जिस प्रकार से ये विकासखंड नसलागंज में जो छापरी माध्यमिक शाला है उसमें देखने को मिला है कि मध्याह्न भोजन में अनियमितताएँ काफ़ी पाई गई हैं, जैसे भोजन बच्चों को पर्याप्त नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ सब्जियों में पानी, और जैसे देखा जाए कि हर मंगलवार को खीर बनना चाहिए तो वो भी नहीं बन पा रही है, क्या कारण? ये विषय आज आप हमारे ध्यान में लाए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम वहाँ BRC को भेजेंगे और उनसे रिपोर्ट मंगवाएंगे और जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। सक्षम अधिकारियों के ध्यान में ये बात लाई जाएगी। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।